पीछे देख रहा, पीछे वो देखो सामने, पीछे की तरफ हमारा होटल है और ये सामने की तरफ इतना शानदार व्यू भाई, माय गॉड, मतलब होटल से निकलो सीधे बीच में पहुंच जाओ। इसको कहते हैं मजा नहीं, क्या बोलते हैं, मजा नहीं लाइफ, मजा नहीं लाइफ, मजा नहीं लाइफ। ये देखो यहाँ पे सामने बियर है और भाई ये मेरे सारे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे यार, और इसके सामने व्यू देखो आप कितना शानदार है भाई। आहा, आनंद आ गया यार, आनंद आ गया। कुछ नहीं, ऐसे ये बियर उठाई और एक इससे मारी। मैं प्रमोट नहीं करता इन चीजों को, लेकिन ठीक है, ओकेजनली ये सारी चीजें चलती है कि नहीं भाई। आपका अपना ट्रैवलिंग माउंट्स पहुंच चुका था वियतनाम ढेर सारी मस्ती के लिए, लेकिन यहाँ तक आने की जर्नी भी उतनी ही शानदार थी। तो क्यों ना थोड़ा पीछे से शुरुआत की जाए, जहाँ से इस जर्नी की एक्चुअल शुरुआत होती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं अपने ऑफिस की तरफ से जा रहा हूँ ट्रिप पे, और ट्रिप नॉर्मल ट्रिप नहीं है, एक इंटरनेशनल ट्रिप है। जी हाँ, आज आपका ट्रैवलिंग माउंट जा रहा है वियतनाम। तो पहले अभी एयरपोर्ट पहुंचना है, ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं, वहाँ पे सब लोग पहुंचना स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने चाहता कि मैं शरारत दे दूँ इसलिए फटाफट से यहाँ से निकलने की बात। बॉम्बे एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे मैं पहुंच चुका हूँ। चौबी और बाकी सब लोग आगे निकल चुके हैं ना, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया, इतने सारे इक्विपमेंट साथ में लेके चलने का सबसे बड़ा घाटा है। यहाँ पर मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई मेरे कलीग राहुल एंड सतीश के साथ में, और हमने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना अपने क्रेडिट कार्ड को यूज पे लाया जाए और यहाँ के एग्जिस्टिंग लॉन्जेस का प्रयोग किया जाए। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किसी भी मेजर कार्ड के साथ इस टर्मिनल का फिलहाल कोई टाई अप नहीं था। गजब बेइज्जती है। जब भी लें आप ये ध्यान दें, साल भर में आपको एक मौका मिलता है और ऐसे टाइम पे आपको खलते हो कभी कि आप एयरपोर्ट पे गए और आपको लॉन्च में भेजे तो के भगा दिया गया। और यहाँ दूसरी तरफ मेरे बाकी सारे कलीग्स इकट्ठा होना चालू हो चुके थे। अब बारी थी उनके पास पहुँचने की और थोड़ी सी गपशप लगाने की। सतीश के हाथ में कैमरा आते ही वो खुद को बाहुबली समझने लग गए और बाकी सबके मजे लेने लग गए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम टूथपेस्ट नहीं, पाउडर लगाते हैं। बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी और अपने प्लेन को सामने देख पा रहे थे। अब यहाँ से हमारी जर्नी थोड़ी ज्यादा लंबी थी। पहले हमें यहाँ से बॉम्बे पहुंचना था और बॉम्बे से हमें फ्लाइट पकड़नी थी मिडनाइट में वियतनाम के लिए। भले ही आपको मेरे हाथ में अभी कैमरा ना दिख रहा हो, लेकिन मैं पूरे एयरपोर्ट पे अपने हाथ पे इंस्टा 360 गधा की तरह लेके घूम रहा था। वहां पर मेरी मुलाकात हुई इन जेंटलमैन से, जिन्होंने इस कैमरे के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, और इनका जवाब देते देते टाइम आ चुका था बॉम्बे की हमारी फ्लाइट में एंटर करने का। हाय मन, कैसा है भाई? एकदम बढ़िया। सही है। बैंगलोर से बॉम्बे की दूरी हमने मात्र 2 घंटे में कवर कर ली थी और रात के 9 बजे हम यहाँ पहुंच चुके थे। अब बारी थी हमारी अगली फ्लाइट को बोर्ड करने की, जो कि यहाँ से डिपार्ट हो रही थी वियतनाम के लिए रात को 1 बजे। यहाँ से हमें बोर्ड करनी थी हमारी वियतनाम की नेक्स्ट फ्लाइट, जो कि एग्जैक्टली 4 घंटे के बाद थी।
काफी लंबा समय था और हमने सोचा क्यों ना अपना अपना लगेज लेके थोड़ा आराम फरमाया जाए। लेकिन तभी हमारे पास एक बैड न्यूज आई कि एयरलाइन की मिसहैंडलिंग की वजह से हमारे ग्रुप के कई लोगों के लगेज में काफी तोड़फोड़ हुई है। फ्लाइट लेके आए बेंगलोर से बम्बई, जैसी लगेज लिया अपन ने देखा तो क्रैक हो गया मेरा पूरा लगेज। लगेज क्रैक हो रखा है पूरा लगेज, एक बार देखते हैं। मेरा खुद का पहला ऐसा एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने देखा था जरूर कि भाई ऐसे पेल के स्क्रैचेस मिलते थे, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ से पूरा टूट ही गया। राइट, कोई भी कुछ भी डाल सकता है यार, इंटरनेशनल फ्लाइट है, कोई भी डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है इसमें। आपके में क्या हुआ है? रिपेंट हुआ है तो भाई, रिपेंट हुआ है। नहीं, जोक्स अपार्ट, ये भी टूटा हुआ है। जब भी काफी लोगों का टूटा है ना, काफी लोगों का टूटा है। इनका टायर ही है। अमन, तुम्हारे राज में क्या चल रहा है भैया, करवा रहे तुम? या आते ही हमने एयरलाइन अथॉरिटी से इसके बारे में बात की, जिसके लिए उन्होंने आते ही इसके फोटोज लेना चालू कर दिए। लेकिन सबसे वर्स्ट पार्ट था कि कोई भी इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद इनके स्टाफ यहां पर आए और सामान को रैप करना चालू कर दिया, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट में टूटा हुआ सामान लेके जाना बहुत रिस्की था। कोई भी कभी भी आपके सामान में कुछ भी ऐसा डाल सकता था जिसकी वजह से हमको बाद में परेशानी हो सकती थी। ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइम वेस्ट करने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। कहाँ तो हम खुशी मना रहे थे कि हमारे पास 4 घंटे हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी चेक इन एंड इमिग्रेशन पास करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम ही नहीं था। अब टाइम था फटाफट से जाके अपने बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करने का और इमिग्रेशन को क्रॉस करने का। अपनी की हुई बेवकूफ़ी से बेफिक्र होके मैं यहाँ बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रहा था और ये भूल चुका था कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आने वाले 2 घंटे मेरे लिए कितने टफ साबित होने वाले। ये कर लिया, वो कर लिया, इससे लड़ गए, उससे लड़ गए, बस दिस इज लाइफ। और सब भाई तेरा वो मिल गया, देख सामने, अब तो लेके जाएंगे सर। मैं दिस विल गिव यू मसाज एट द सेम टाइम अ गुड स्लीप, राहुल यू शुड आल्सो गेट इट। सिक्योरिटी चेक इन के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बैग थोड़ा हल्का फील हो रहा है और तब मुझे पता चला कि मैं अपना आईपैड फ्लाइट में छोड़ के आ चुका हूं। सर, मेरा आईपैड मेरी लास्ट फ्लाइट में छूट गया है, कुछ कोई तरीका है कि आई कैन कांटेक्ट कर? मेरी एसी में छूटा मेरा। एक घंटे की मशक्कत और एयरलाइंस की हेल्प से फाइनली मेरा आईपैड मिल चुका था, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुका था क्योंकि मेरी पूरी टीम बोर्डिंग गेट पे मेरा इंतजार कर रही थी। कैसा लग रहा है आपको? चलो भाई, एक और शानदार ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं, पहले ये बता दो जल्दी से वियतनाम। और लास्ट टाइम जितनी मस्ती की थी ना, उससे भी जी पार मस्ती करने वाले हैं। जी पार, इनमें से आधे चेहरे तो आपको याद होंगे। ट्रेन में एंटर करने तक रात के 1 बज चुके थे। आज की इतनी सारी हसल और टायरिंग एक्टिविटीज के बाद बहुत तेज नींद आ रही थी। कल की एक्टिविटीज मिस ना हो, इसलिए अब समय था एक अच्छी नींद लेने का। मॉर्निंग का नजारा कुछ ऐसा था, सीट बेल्ट साइन ऑफ होते ही ऐसा लग रहा था मान लो हम किसी लोकल ट्रेन में बैठे हों। से बज चुके थे सुबह के 8 और हम लोग लैंड कर चुके थे वियतनाम की दनांग सिटी में, जो कि होने वाली थी हमारे अगले 5 दिनों की शानदार डेस्टिनेशन। नजर मार ले एक बार, लास्ट टाइम अपना आईपैड छोड़ के आ गया, तो जैसे एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं ना। थैंक यू, इंडिया के एयरपोर्ट के टोटली अपोजिट यहाँ की जो टर्मिनल बस थी वो खचाखच भरी हुई थी। अंदर घुसने के लिए हमें सबको धक्का देना पड़ा और जैसे तैसे अपनी जगह बनाकर अंदर आ गए। हम लोग वियतनाम में एंटर तो कर चुके थे एंड फाइनली पहुंच चुके थे दनांग सिटी के इमिग्रेशन पे, जिसको क्लियर करते ही अब बारी थी हमारी ट्रिप स्टार्ट होने की। फॉर्चुनेटली इमिग्रेशन के ठीक लेफ्ट में यहाँ के लोकल टेलीकॉम कंपनीज के काउंटर्स थे, जिनसे हम सिम खरीद सकते थे ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को अपने सेफली यहाँ पहुँचने की न्यूज़ दे सके। मेरे साथ साथ मेरे बाकी सारे कलीग्स ने भी यहीं से सिम ली थी, क्योंकि हमें इंडिया की रोमिंग सर्विसेज से बेटर रेट पे मिल रही थी।
बातों ही बातों में मैं अपना लगेज उठाना बिल्कुल भूल गया, एंड इससे पहले कि वो अंदर जा पाता एंड मोमेंट पे मैंने उसे वहां से उठा के नीचे रखा। सभी किस्से में एक्टिवेट हो चुकी थी और अब बारी थी एयरपोर्ट से बाहर निकलने की, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरी दोस्त। मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नहीं दो वीडियो के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कहानी और किस्से हैं वियतनाम के जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अभी बड़ी मुश्किल से खुद को उठा के, ये हमारा सामने होटल है, होटल से नीचे आए हैं और यहाँ पे देखो एक कौन चल रहा है भाई, सॉरी देखो जिसको पसंद नहीं अपनी आंखें बंद कर लेना। ये ऑक्टोपस है क्या, स्क्विड है राइट?